ये नजारा है शुक्रवार 15 नवंबर को दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में आयोजित सनातन भवन में जनजाति गौरव दिवस समारोह का, जिसे आयोजित किया गया वनवासी कल्याण आश्रम दिल्ली की तरफ से। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हमारे स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ था। अंग्रेजों की गोलियों के सामने तीर कमान से लड़ने वाले बिरसा मुंडा को झारखंड समाज के लोग भगवान मानते हैं। यही वजह है कि आज भी उनकी जयंती को मनाने वालों की कमी नहीं है, और कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के अशोक विहार में भी देखने को मिला। और आप भी रक्षा करें, हम चाहते हैं कि आपके विकास के लिए हम और स्कूल और चर्च खोले। निर्भवन भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रदीप गोयल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सरकार रामेश्वर तेली जी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जिन्होंने बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में कई बातें साझा की। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है, और वो 24 साल उम्र में अपना जो देश के लिए जो उन्होंने जो किया है उसको हम लोग याद करते हैं। उन्होंने तीन बातें कही थी, जल, जमीन और जंगल की रक्षा के लिए संग्राम किए थे, और बीच में शायद आप लोग पता है कि वो मिशनरी में वो धर्म ले लिए थे, बाद में फिर उन्होंने छोड़ दिया। खास बात ये रही कि यहाँ बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित एक नाटक भी दिखाया गया, जिसकी प्रस्तुति प्रज्ञा आर्ट्स दिल्ली की तरफ से हुई। बहुत हो गया, मुझे जानना है अपने आप को, इस दुनिया को, इस प्रकृति को, जीवन की धारा को, इन सभी के महत्व, इनके अस्तित्व। इसके अलावा राष्ट्रीय कवि श्री गजेंद्र सोलंकी ने भी कार्यक्रम में काव्य पाठ किया, जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए और बिरसा मुंडा के प्रति अपने विचार साझा करते दिखे। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्यरत ऐसे जनजातीय बंधुओं का आज गौरव करने का दिन पूरे देश भर में मना रहा है, तो दिल्ली में भी उसका कार्यक्रम आयोजित किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति में इसी समाज ने और कड़ा संघर्ष किया, अंग्रेजों सामने कभी झुके नहीं, अनेक वनवासी व्यक्तियों को और सजा हुई कारावास हुआ, कई लोगों को अंग्रेजों ने फांसी पर डाला, लेकिन इन बहादुरों ने कभी हार नहीं मानी। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए उनके गौरव के संदर्भ में आज जनजाति समाज और संपूर्ण भारतवासी इसके लिए गौरव दिन मना रहे हैं। हम सब एक है, यही आज दिन का संदेश कह सकते हैं। कार्यक्रम में कई विदेशी मूल के लोग भी उपस्थित थे, जो पिछले कई वर्षों से बढ़ते धर्म परिवर्तन को रोकने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी भाषा में गीत गाए और कई तरह की प्रस्तुति भी दी। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम नई पीढ़ी को देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, खासकर बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी देने वाला रहा, जो आज के समय में बेहद जरूरी भी है, ताकि नई पीढ़ी देश के लिए बलिदान देने वालों को भूल न जाए। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए योगेंद्र कुमार की रिपोर्ट।